Let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav, Misbah. He was just unbelievable today. Amazing inning. Normally, you see in T20 cricket, there are many innings that we have seen in two matches. This was totally different. And then, of course, Sky Cup, you mentioned it. I think he's from another planet. He's totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, it's just treat to watch. Yeah, just unreal stuff. And you know, look at this shot. Unbelievable. Bolo jaye to jaye kahan. This is just fearless. Sirf kya fearless hi kahenge talent ke saath. कि डरना नहीं है गेंद लग भी जाए मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने के ऐसे लड़के को या टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहां जाए तो जाए कहां ड्रेसिंग रूम आई मीन लुक एट दैट आई मीन बट ही इज नॉट गोइंग टू ड्रेसिंग रूम लुक एट दिस शॉट मसला ये है कि ये ही इशू ये नहीं कि ये शॉटें बड़ी मारता है या छक्के मारता है चौके मारता है जस्ट दैट एवरीवेयर ही इज He's 360 degree. I mean, look at all those boundaries. Usne yahan pe scoop shot bhi khel diya, extra cover bhi khel diya, backward point pe bhi khel diya, seedha bhi maar diya. You see? I mean, then yeah. How I'm just trying to think how, what's the best way to get him out in T20. One day probably a test match mein to one can plan against him. But in T20 cricket, because aap waise as a bowler, you're always on the back foot, and if someone is in such a good form and such a dominant kind of nature ka jo batsman hota hai. It is very difficult to bowl at him. Yeah, sorry, Shoaib, you want to add? ये वो वाला student है आप school में जाएँ ना तो आपने सारा homework किया हो आपको पता हो कि यार मैं I'm fully prepared. इस future plans में जो अपना एक कलीदी role जो अदा करेंगे या जो catalyst बनेंगे आगे चल के clearly वो Surya Kumar Yadav है क्या innings खेली उन्होंने captain's innings खेली जो calmness नहीं और जिस झलकता है कि भारत की जो next पीढ़ी है वो बिल्कुल तैयार है और क्रेडिट देना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को कप्तानी ठीक ठाक की और जो यंग लड़के भी पिक हुए वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ मुझे स्काई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन दोनों में उसकी वजह है कि वो जिस तरह उनके इनोवेशन है शॉट्स की अमेजिंग वो 360 की बात करते हैं वो 360 मेरे हिसाब से वो जो है ना 460 पे खेल रहे होते हैं और जिस तरह उनका बैलेंस है जिस तरह उनकी कमिटमेंट है जिस तरह की उनकी फिटनेस है और उसके बाद वो टीम के लिए खेलते हैं तो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट वो प्लेयर्स होते हैं जो टीम के लिए खेलते हैं टीम की परफॉर्मेंस करते हैं मैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा मैं आपको जसवाल की हिस्ट्री भी बताऊंगा जसवाल के बारे में एक कहानी है वो भी बताऊंगा जसवाल क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा ये हमारे बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जसवाल बहुत सेंसिबल है बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है मुझे मज़ा आया देख के हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड हिंदुस्तान का लड़का जसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये ग्राउंडमैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इसका इसका माइंड सेट होगा स्ट्रीट स्मार्ट होगा लड़ना झगड़ना जाता होगा फिर क्रिकेट का इतना शौक फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है ये मेरी बात याद रखिएगा ये लड़का इज गन गो प्लेसेस इसके अंदर ताकत भी है इसके अंदर जज्बा भी है इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर बहुत ही अच्छा लड़का है बड़ा ज़बरदस्त खेला है लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज टीम जो लगी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में दे लुक वेरी मैच्योर बट व्हाई दे आर मैच्योर नाउ थिंक अबाउट इट व्हाई दे आर मैच्योर नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का देखिए जसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के काबिल है और कर रहे हैं ऐसे और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया ये मुतवातिर आपको इस तरह से
सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जयसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जयसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है, क्योंकि भाई 22-23 साल का लड़का, ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए। सीखो इसे कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है, ट्रू आप ऐसा कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की उसी जयसवाल और शुभमन गिल ने जारहाना अंदाज अपनाया। 21 गेंदों में 40, 16 गेंदों में 34, दोनों ओपनर्स ने जारहाना अंदाज पर अहम किया और मोमेंटम को सूर्य कुमार यादव ने वन डाउन आकर कंटिन्यू किया। 26 गेंदों में 58 रन, कई स्वीप शॉट खेले सूर्य कुमार यादव ने और अपने जारहाना बल्लेबाजी से श्रीलंकन गेंदबाजी को बेबस किए रखा। कई कैचेस श्रीलंकन टीम ने फील्ड में ड्रॉप की चौकी भी दिए, मगर ऋषभ पंत इब्तिदा में जरूर स्ट्रगल करती दिखाई दिए, मगर 33 गेंदों में 49 रन की उम्दा ने स्केल डाली ऋषभ पंत ने भी। और भारत की जो टॉप फोर बल्लेबाज थे उनकी उम्दा बल्लेबाजी के बदौलत एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया है श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने, जो चेस करना इतना आसान नहीं होगा। विनोदो हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी की, महेशपति राणा ने भी एंड में आकर उम्दा अंदाज से गेंदबाजी करते हुए भारत की जो मिडल आर्डर और लेट आर्डर था उसका सफाया कर डाला। तो क्या भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंकन टीम ये बड़ा टारगेट चेस कर पाएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइए और सूर्य कुमार यादव के शानदार बल्लेबाजी के हवाले से अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।